आज मेरे किचन में बन रहा है पनीर दो प्याजा। अक्सर हम सोचते हैं रेस्टोरेंट में इतना अच्छा और इतना टेस्टी कैसे बनाते हैं। मैंने ट्राई किया और मैं काफी सक्सेस हुई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आइए मैं बताती हूं कि पनीर दो प्याजा में क्या क्या लगता है। पनीर 250 ग्राम, दही मैरिनेट करने के लिए, रफली चॉप किया हुआ टमाटर, अनियन के 4 टुकड़े करके उनको अलग अलग कर लेना है, ये रफली चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन की कलियां छिली हुई, अदरक के टुकड़े, ऑयल, लेमन जूस, जीरा, क्रीम, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, कलर, तेज पत्ता, लाल मिर्च और हरी मिर्च, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर। आइए हम पनीर को मैरिनेट करते हैं। पनीर में हम पहले दही डालेंगे, तीन चम्मच। फिर ऑयल डालेंगे, अदरक पेस्ट 2 चम्मच, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अदरक लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने ज्यादा डाला है। ये लहसुन का पेस्ट, एक लाइम जूस, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो भी चीजें इसमें चाहिए वो अच्छे से मिल जाएगा और पनीर के अंदर सारी चीजें, अदरक लहसुन जो भी हमने डाला है वो अच्छे से सोख हो जाएगा। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, काफी सुंदर दिख रहा है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे, आप चाहे तो डाले ना चाहे तो ना डाले। रेस्टोरेंट जैसा दिखने के लिए थोड़ा सा कलर मैंने डाल दिया है। ये अच्छे से मैरिनेट होने के लिए तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और मैरिनेट होने देंगे। हमारा पनीर मैरिनेट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हुआ। इसके अंदर आप देखिए कितने अच्छे से लिपट गया है, सब दही वगैरह सब इसमें मिल गया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल डालेंगे 3 चम्मच के अकॉर्डिंग। तेल को गरम होने दें। फिर हमने जो पनीर मैरिनेट किया है उसको डालेंगे।
पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, काफी बढ़िया से फ्राई हो गया। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर हमने फ्राई कर लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो हमने प्याज काटा था चार हिस्सों को अलग अलग करके, तो अब हम उसे डालेंगे। इसको डालने के बाद हमें बहुत चलाना नहीं है, थोड़ा सा बस सौते होने दे। प्याज का कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया, बस इतना ही चलाना है, पकाना नहीं है। पहले हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे तेल में तड़के के लिए। गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे, फिर तेज पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च अगर डालना चाहते हैं तो डालिए। आप दोनों मिर्च में से अवॉइड कर सकते हैं, जिसे लाल मिर्च खाना है वो लाल मिर्च डालें, जिसे हरी मिर्च खाना है वो हरी मिर्च डालें, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही मिर्च डालें। मिर्ची और तेजपत्ता के कलर चेंज होने लगे हैं, हम अब हरी इलायची डालेंगे। आठ से दस दाने काली मिर्च के डालेंगे, ब्लैक पेपर। इसी समय हम अदरक के कटे हुए पीस को डाल देंगे। इसे थोड़ा चलाएंगे, फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि अदरक के टुकड़े जल न जाए। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन की कलियां। लहसुन भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, आज लग रहा है कुछ ज्यादा ही टेस्टी बनने वाला है। अब हमने प्याज जो काटा था रफली उसे डाल देंगे। इसे भूनेंगे अच्छे से। प्याज तैयार हो चुका है, ये काफी अच्छे से भून गया है, ना तो बहुत लाल हुआ है और ना ही कच्चा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। मसाले भी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर के छिलके और टमाटर सब अच्छे से गल जाए। बहुत ज्यादा नहीं गलाना है क्योंकि बहुत ज्यादा गलाने से फिर टमाटर का एक जो अच्छा सा पिंच होता है, एक अच्छा सा टेस्ट होता है, वो जल जाता है, गल जाता है। तो इसे हम हल्का सा वो करेंगे और बाद में हमें इसे मिक्सी में डालकर पीसना है, तो बहुत ज्यादा गलाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा प्याज और टमाटर मसाले सब अच्छे से भून गए हैं। देखिए मैंने ना तो बहुत ज्यादा प्याज टमाटर को गलाया है और ना ही
इसे बहुत ही कच्चा रहने दिया है, ये बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है। अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज ठंडा हो चुका है, मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे, फाइन पीसेंगे, दरदरा नहीं होना चाहिए। तो पीस लेते हैं इसको। मसाला अच्छे से पीस चुका है, बिल्कुल पेस्ट बन गया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालकर छौंक लगाएंगे। मसाले में बहुत अच्छा कलर आ गया है, गुलाबी कलर। अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे। क्रीम भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज हटा भी सकते हैं। क्रीम डालते ही बहुत ही सुंदर कलर हो गया, दिख रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ग्रेवी। अब हम इस मसाले में पनीर को डाल देंगे। जो हमने फ्राई किया था अनियन, जो हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे। हमारा पनीर तो प्याजा तैयार है बिल्कुल। अब हम इसे सर्व करते हैं। आइए देखिए, अब हमारा गर्मा गर्म पनीर दो प्याजा तैयार है। अब आप रेस्टोरेंट में इसके लिए पैसा नहीं देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, प्याज और पनीर बिल्कुल खिले खिले आए हैं। अब ये हुई ना बात।